हैंडल को नीचे कीजिए और जमीन के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। ये हैंडपंप का आधा कटा हुआ व्यू है, देखिए कैसे हैंडल को दबाने से पानी ऊपर आ रहा है। ये राइजिंग मेन है, इसके नीचे सक्शन पाइप है जिससे पानी नीचे से ऊपर आता है। इसके ऊपर एक गैस्केट लगा होता है जो इसमें बाहरी हवा को घुसने से रोकता है, और इसके ऊपर बेस फिट होता है जो नट बोल्ट की मदद से अच्छे से कस दिया जाता है। इसी बेस पर हैंडपंप की केसिंग फिट होती है। ये लेदर वाल्व है, इसके ऊपर एक लोहे का वजन बोल्ट से कस दिया जाता है। लेदर वाल्व इस प्रकार से ऊपर नीचे हो सकती है। इसको जब बेस के ऊपर फिट कर दिया जाता है तो ये पाइप के रास्ते को खोलने और बंद करने का काम करता है। ये हैंडपंप की केसिंग है, इसे बेस पर कस दिया जाता है। हैंडपंप के अंदर पिस्टन असेंबली होती है जो पिस्टन, पिस्टन सील, प्लंजर वाल्व और सील होल्डर से मिलकर बना होता है। सील को कुछ इस तरह से सील होल्डर पर सेट कर दिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड जो कि हैंडल से जुड़ी होती है पिस्टन से जुड़ जाती है। केसिंग के ऊपर केसिंग कवर लगाया जाता है और इस पर हैंडल फिट कर दिया जाता है। हैंडपंप के आगे आउटलेट लगाया जाता है जिससे पानी बाहर आता है। आइए अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं। जब हैंडल को नीचे धकेला जाता है तब पिस्टन ऊपर आ जाता है, जिसके कारण पिस्टन और बेस के बीच में प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण पिस्टन वाल्व बंद हो जाती है और नीचे वाली वाल्व खुल जाती है। जब हैंडल थोड़ा और नीचे आता है पिस्टन वाल्व के नीचे वैक्यूम बन जाता है और वैक्यूम को भरने के लिए पानी ऊपर आ जाता है। जब हैंडल को ऊपर किया जाता है पिस्टन नीचे जाना शुरू कर देता है और पिस्टन के नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पिस्टन वाल्व खुल जाती है और पानी को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसी दौरान नीचे वाला वाल्व वेट के कारण बंद हो जाता है और पानी को वापस नीचे जाने से रोक देता है। जब दूसरी बार हैंडल को नीचे किया जाता है पिस्टन के ऊपर वाला पानी आउटलेट से बाहर निकलने लगता है और यह प्रोसेस इसी प्रकार चलता रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।